3D आर्ट को आज क्रिएट करेंगे। मैंने सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करना है इसके लिए। दराज से ये इजीली अवेलेबल है। कोई से भी तीन आप आर्ट पीसेज अपने ले लें, या जितनी भी आपको लेयर्स क्रिएट करनी है डिफरेंट कलर्स में या कॉम्बिनेशंस के कलर्स में, उनको आप सिलेक्ट कर लें। और सोल्डरिंग आयरन से मैं इनके दरमियान में होल्स पंच करूँगी। इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप पहले सर्कल्स ड्रॉ कर लें अपने आर्ट पीस पे और फिर उसके अराउंड जो है सोल्डरिंग आयरन को चलाएं टू क्रिएट सर्कल्स, लेकिन इससे इरेगुलर से सर्कल्स क्रिएट होंगे एंड दिस विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। सोल्डरिंग आयरन मेरी हीटअप हो चुकी है, अब मैं इसको जेंटली अंदर की तरफ पुश करूँगी तो मेरा पेपर जो है वो बर्न हो जाएगा। ये सेम मेथड आप वुड इंग्रेविंग टूल से भी कर सकते हैं, वुड बर्निंग टूल से भी कर सकते हैं सॉरी, और सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं। अब जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, मैं उसके अराउंड अपनी सोल्डरिंग आयरन को स्लोली चला रही हूँ ताकि उतना सर्कल जो है वो बर्न होके निकल आए। So this is how you can cut out a circle using the soldering iron. अब मैं एक और सर्कल जो है उसको बर्न कर लूँगी। मैं इस प्रोसेस को, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स जो हैं वो लंबी वीडियो अलाउ नहीं करते अपलोड करना, तो मैं इसको अब फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा कर दूँगी ताकि जो है आपको प्रोसेस भी पता चल जाए और इस एक जो है वो टाइम लिमिट भी जो है वो हम उसके दरमियान में भी रहें। तो एज़ यू कैन सी कि ये बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ पे भी आपका सर्कल है उसके अराउंड आपने अपने सोल्डरिंग आयरन को चलाते जाना है। मैं कुछ शेप्स जो हैं वो काट लूँगी इसकी 3D क्रिएट करने के लिए। आप पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल को भी 3D के तौर पे ऊपर नीचे प्लेसिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ शेप्स कट आउट करके उससे भी 3D क्रिएट कर सकते हैं। मैं शेप्स को काट के उसको 3D करूँगी। दूसरा आर्ट पीस मैं ये वाला यूज़ करूँगी, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। लाइकवाइज मैं इसमें भी होल्स को पंच कर लूँगी।
दूसरा मेथड जो इस एक रिफाइंड सर्कल ड्रॉ करने का है वो ये है कि आप अपनी सोल्डरिंग आयरन को सिर्फ एक जगह पर स्टैटिक रख लें और वो खुद ब खुद पेपर को मेल्ट करके अंदर की तरफ जो है आयरन चल जाती जाएगी। उससे एक बड़ा डिफाइंड और नीट सर्कल जो है वो क्रिएट होगा, दैट विल नॉट बी एन इरेगुलर वन। एज़ यू कैन सी कि बस मैंने अपनी आयरन को रखा है एक जगह और वो जो है एक होल क्रिएट कर रही है। होल्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो बर्न हुआ हुआ कुछ पोर्शन दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। तो मैं अपनी वेल पैलेट में सिल्वर मेटालिक इंक जो है उसको ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ पर भी होल्स हैं उनकी बाउंड्री जो है उसको पेंट कर लूँगी, जस्ट टू गिव इट अ वेरी नीट लुक। होल्स पंचिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, पेंटिंग भी कर ली है। अब मैं फोम पैड्स को यूज़ करूँगी। ये माउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं और ये डबल साइड से स्टिकी होते हैं। तो मैं ये स्कीयर्स जो हैं इनको फोर पार्ट्स में कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं वन बाय वन इसके ऊपर स्टैक करके तो इससे स्टिकिंग करूँगी। अब मैं इसकी प्लेसिंग को डिसाइड कर लूँगी कि किस डायरेक्शन में इसकी प्लेसिंग करनी है। वंस आई एम श्योर अबाउट माय प्लेसिंग तो मैं इसकी पेस्टिंग और स्टिकिंग जो है इनफैक्ट उसको स्टार्ट करूँगी। अब मैं सबसे पहले वाले पीस के नीचे से स्केयर्स जो हैं उनकी स्टैकिंग स्टार्ट करूँगी ताकि अगर मैं एक भी लगा के इस पर पेस्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो आई नीड टू स्टैक
एटलीस्ट 4 or 5 स्केयर्स वन ओवर अनदर, तब इस ये थोड़ा सा 3D लगेगा। अब मैं इसको वाइट वुडन बॉक्स के अंदर जो है उसकी प्लेसिंग करूँगी इन ऑर्डर टू गिव इट अ वॉल फ्रेम लुक। और इसमें 3D लुक जो है वो बहुत ऑब्वियस भी है।